नमस्कार साथियों, उड़ीसा में बालासोर में जो कल हृदय विदारक परसों जो ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 288 लोग मारे गए, 1100 के लगभग घायल हुए, हमारी संवेदनाएं उन तमाम परिवारों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को गंवाया है। साथ ही ओडिशा पुलिस, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और भारतीय सेना को धन्यवाद, जो पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता उन्होंने दिखाई, और ओडिशा के लोगों की जो मानवीय छवि देखने को कल मिली वो इस देश की मानवीय छवि है। रक्तदान करने कतारों में लोग खड़े थे, नौजवान लोग खड़े थे। इससे यह पता चलता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम लोग कितने सजग, कितने संवेदनशील लोग हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार उतनी संवेदनशील नहीं दिखती। प्रधानमंत्री जी, आपके रहते भारत की किस्मत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप की किस्मत के बारे में दो शब्द जरूर कहूंगा। आपने एक कवच अपने आसपास खड़ा कर दिया। वो कवच आपको सीएजी रिपोर्ट से बचाता है, वो कवच आपको प्राइम टाइम डिबेट से बचाता है, वो कवच आपको किसी भी तरह की पब्लिक स्क्रूटिनी, सार्वजनिक जांच से बचाता है। वो कवच देश की सीमाओं को नहीं बचाता, वो कवच ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे लोगों को नहीं बचाता, वो कवच रेल यात्रियों को नहीं बचाता, वो कवच सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि को बचाता है। ऐसा कवच किसी सरकार को, किसी प्रधानमंत्री को कभी नहीं मिला। काश ये कवच रेल यात्रियों को भी मिलता। एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर। इस्तीफे का अर्थ क्या होता है? इस्तीफे का अर्थ होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना। ना जिम्मेदारी दिखती है, ना नैतिकता दिखती है। आपको क्या उम्मीद है यहां से कोई इस्तीफा आएगा? हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा हम इस्तीफा मांगे किससे। वो व्यक्ति जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन की भी हरी झंडी दिखा के उद्घाटन करते हुए दिखता है वो, या वो जो कल सुबह से अपनी पब्लिसिटी में लगे हुए हों, टोपी पहन के कैमरा लेकर घूम रहे हों, किसका इस्तीफा मांगे हम? प्रधानमंत्री, हम आप पर छोड़ते हैं, आप किसका इस्तीफा लेना चाहते हो? लेकिन ये देश उम्मीद करता है कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह से माधवराव जी सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, आप भी अपने रेल मंत्री से इस्तीफा लेंगे। सीएजी रिपोर्ट आपके सामने है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मेरे साथी, मेरे सहयोगी शक्ति सिंह गोहिल साहब के पास है, इस पर वो चर्चा करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट बड़े स्पष्ट तौर पर बताती है कि 2017 से 21 के बीच में डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से नीचे उतर जाने की वजह से 1127 हादसे, 1127 डिरेलमेंट्स बिटवीन द ईयर 2017 एंड 21। बाय द वे, ये सीएजी रिपोर्ट वही है जिसको आधार बनाकर आप लोग भी किसी जमाने में प्राइम टाइम डिबेट्स करते थे और यूपीए की सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे मांगते थे। तब वो कवच नहीं होता था जो आज प्रधानमंत्री को कवच मिला हुआ है, आप सबकी तरफ से भी मिला हुआ है। मोदी सरकार का जो ट्रैक रिन्यूअल का बजट है, ये सीएजी रिपोर्ट भी हम आपको प्रेस रिलीज के मार्फत सर्कुलेट करेंगे, शायद आपके टेबलों पर आपके संपादकों ने नहीं भेजी होगी या संपादकों की टेबलों पर उनके मालिकों ने नहीं भेजी होगी, मैं आपको जरूर भेजूंगा। ट्रैक रिन्यूअल का बजट हर साल कम होता जा रहा है और जो बजट है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। हम हाई स्पीड ट्रेन के खिलाफ नहीं है, लाइए, लेकिन 10-15 चमकती धमकती ट्रेन को दिखाकर आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ढांचा खोखला करते चले जाएंगे, यह मंजूर नहीं। सवाल आपकी विजन, आपकी सोच, आपकी नियत पर है। रेल मंत्री के ट्विटर रिप्लाईज अगर आप देखें तो जो आम डब्बे होते हैं, जनरल डब्बे होते हैं, बोगियां होती है, उनकी स्थिति आपने देखी होगी। यही कोरोमंडल एक्सप्रेस का कुछ दिनों पुराना
अगर आप रेल मंत्री की टाइमलाइन पर जाएंगे तो आप देखेंगे वीडियोस, सांस लेने की जगह नहीं होती। यह है असलियत। आप वंदे भारत की 5-6 वो दिखा दिखाकर क्या बताना चाहते हैं कि पूरी भारतीय रेल ऐसी चल रही है? 70 साल अलग अलग सरकारों ने भारतीय रेल को एक भरोसे की सवारी बनाया था। आप मित्रजाल में फंसकर आम नागरिक की चिंता छोड़कर सिर्फ और सिर्फ चमकती धमकती पीआर के ऊपर के चक्कर में पड़ गए। खुद रेलवे मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि रेल विभाग में 3,12,000 भर्तियां खाली पड़ी। रेल का बजट आपने खत्म कर दिया, भर्तियां आप भर नहीं पा रहे। हमारा इतिहास तो देख लीजिए, उससे तो सीख लीजिए कि कैसे जिम्मेदारी लेते थे, कैसे नैतिकता थी। लेकिन अब आपको एक नीति छोड़नी पड़े, प्राण जाए पर पीआर न जाए, यह नीति छोड़नी पड़े। अभी 9 फरवरी को शक्ति भाई और मैं अभी चर्चा ही कर रहे थे, 9 फरवरी को यह एक आंतरिक रिपोर्ट है जो ऐसा ही हादसा होते होते बचा, उसके पश्चात की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भी मैं आपको सर्कुलेट कर रहा हूं, हस्ताक्षर हैं इस पे साउथ वेस्टर्न रेलवे के AGM के, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे। जब वो बता रहे हैं कि ये सिग्नलिंग जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसमें खोट है, अगर जल्दी ही इस खोट को दूर नहीं किया जाए तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। 9 फरवरी को ये रिपोर्ट सर्कुलेट हुई रेलवे मिनिस्ट्री में, उसके पश्चात क्या कदम उठाए गए ये भी हम जानना चाहते हैं। इससे पहले कि शक्ति सिंह गोहिल जी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करें, हमारे 3 सवाल। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। CAG रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आप उठाएंगे। माफ कीजिएगा अगर ये कवच प्रधानमंत्री जी के आसपास आप लोगों ने नहीं खड़ा किया होता तो ये सवाल बहुत पहले उठते, CAG रिपोर्ट्स के सवाल उठते, इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं छपते हुए हम देखते, इस पे चर्चा और डिबेट्स होती तो शायद ये 288 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। हमारा और आपका काम सरकार को जनता से बचाने का नहीं है, जनता को सरकार से बचाने का। अभी भी समय है, हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, नहीं तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोगों की जान जाती रहेगी और यूं ही हम एक दूसरे को ढांढस बनाते रहेंगे। शक्ति भाई, थैंक यू पवन भाई। साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले जिन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है उसके प्रति मेरी पार्टी की ओर से और निजी तौर पे श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। एक दूसरी भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, हमारे मेजर रिटायर्ड वेद प्रकाश जी, ज्यादातर आप सबको यहाँ मिलते रहते थे, हर वक्त हंसते, बड़े मिलनसार, वो अचानक से हमारे बीच से चले गए हैं। मैं उन्हें भी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। जो एक्सीडेंट में जाने गई उसके जाने का वक्त नहीं था, एक्सीडेंट से गए, कोई भी मुआवजा, कोई भी कंपनसेशन एक जिंदगी को वापस नहीं ला सकता है, और इसीलिए जान की सुरक्षा को हर वक्त पे हम सबसे ऊपर रखते हैं कि अगर माल गया, प्रॉपर्टी गई, हुआ तो वो आ भी सकता है वापस, पर एक बार जिंदगी चली जाती है वो वापस नहीं ला सकता है, कोई नहीं ला सकता। हमारे भारतीय रेल का इतिहास बहुत पुराना है।
जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों का शासन था। शुरू में हमारी रेलवे, अब नोट कीजिएगा, शुरू में हमारी रेलवे प्राइवेट पार्टीज के पास थी, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने क्या किया था कि प्राइवेट पार्टी रेल चलाए पर वो तो अपना मुनाफा देखेंगे, इसीलिए ये जरूरी है कि सेफ्टी के लिए उस प्राइवेट पार्टी को नहीं, अंग्रेज सरकार ने इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स जो सीधे सरकार के शासक के पेड लोग थे वो इसकी सुरक्षा देखते थे, वो कहते थे कि इस ट्रैक पे चलाओ, ये ट्रैक को रिपेयर करो, अभी रोक दो। वो इंजीनियर्स कहते थे, वो प्राइवेट कंपनी को करना पड़ता था, ट्रेन ऐसे नहीं चलती थी। आजादी के बाद हमारी सरकारों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है कि रेलवे तो अपना मुनाफा देखेगा, तो रेलवे की सेफ्टी के लिए, पैसेंजर सेफ्टी के लिए रेलवे से हटके अलग डिपार्टमेंट के पास एक कमीशन होना चाहिए। रेलवे की सुरक्षा की चिंता करते हुए कमीशन रेलवे सेफ्टी अलग बना, और वो रेलवे मंत्रालय के नीचे नहीं, इसको रखा सिविल एविएशन, नागर विमान विभाग के नीचे उसको रखा और वो देखते थे। ये कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी कि जो कसूरवार है उसे बख्शेंगे नहीं। मैं आपके पास जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं वो दिखाएगा कि इसमें कसूरवार सीधी सरकार है और मोदी सरकार है। मेरे पास, मैंने आप सबको ये कॉपी दी है, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी की ये रिपोर्ट है जो कि राज्यसभा में 8 दिसंबर 2022 को पेश हुई है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप पेज 2 पे देखोगे, यहां पे चेयरमैन है टीजी वेंकटेश जो कि बीजेपी के हैं, और हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती है वो दलगत राजनीति से ऊपर होती है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होती है। इसमें ज्यादा मेंबर, क्योंकि प्रोरेटा होता है, जिसके ज्यादा एमपीज उसके ज्यादा कमिटी में मेंबर्स, तो इसमें ज्यादा मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। 5 नंबर पे आप मेरा नाम भी देखोगे, मैं भी इस कमिटी का हिस्सा था। ये कमिटी ने, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, पेज 4 पे आप आ जाइए। मैंने आपको कहा ना कि आजादी के बाद सेफ्टी के लिए अलग कमीशन, जो रेलवे मंत्रालय के नीचे नहीं, सिविल एविएशन के नीचे काम करता था, और वो अलग कमीशन अगर कहे कि ये ट्रैक खराब है, यहां गाड़ी नहीं चलेगी, तो रोक देना पड़ता था। ट्रैक बनने के बाद तभी खुला रख सकते थे जब ये सुरक्षा के लिए अलग कमीशन जो सिविल एविएशन के नीचे है वो परमिशन देगा कि नाउ दिस इज फिट। वो उसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग रहते थे। मोदी सरकार ने क्या किया 2018 में, इन 2018, आप ऊपर से चौथी लाइन देखिए, 2018 में रेल मंत्रालय ने रेल संरक्षा आयोग की राय पर विचार किए बिना, माने उनके साथ कोई बात नहीं की, जो अलग आयोग था जिसके साथ बात करनी चाहिए उसके साथ बात किए बिना खोलने के नियमों में संशोधन किया है। महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक ये था कि आयुक्त को भारतीय रेल आयामों की अनुसूची के उल्लंघन को माफ करने की शक्ति प्रदान करने का यह शक्ति CRS माने कमीशन रेलवे सेफ्टी और CCRS माने चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की सिफारिश के साथ रेल मंत्रालय के पास निहित थी। माने ये पावर्स जो कमीशन के पास और चीफ कमिश्नर के पास थे वो पावर्स हटा दिए गए। इस संशोधन की संरक्षा निहितार्थ रेल मंत्रालय को भी बताए गए थे। माने इन्होंने विरोध किया
आयोग को अब भी, आयोग का अभी भी वह मत है, वो कमिटी के सामने आयोग एज ए विटनेस आता है और कहते हैं कि यह संशोधन सुरक्षा के हित में नहीं है और सुरक्षा को सभी समी चिंता पर वरीयता दी जानी चाहिए, इसलिए पुरानी व्यवस्था को बहाल कर देना चाहिए। ये किसने कहा? ये आके कमीशन ने एज ए विटनेस कमिटी के सामने किया, कहा। और उसके बाद आप पेज पैराग्राफ 31 उसी पेज पे देखिए कि समिति ने भी, कमिटी ने भी चिंता जताई। समिति ने CRS माने कमीशन रेलवे सेफ्टी, जिसे विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा से संबंधित मामलों पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदेश करने के लिए स्थापित किया गया है, की सिफारिशों / सुझावों के प्रति रेलवे बोर्ड द्वारा दिखाई गई उपेक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। कमिटी ने कंसर्न जताया, मैं खुद था उस कमिटी में हाजिर, कि आप ये क्या कर रहे हो, अंग्रेज भी इंडिपेंडेंट रखते थे, आज तक था, और कमीशन के पावर्स आप एक नोटिफिकेशन करके हटा देते हो और कहते हो कि मैं ही चोर, मैं ही कोटवाल, मैं ही न्यायाधीश। कमिटी ने इसका विरोध किया। ये 2018 में हुआ, माने मोदी सरकार में हुआ। अभी मेरे साथी पवन भाई ने जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया, अगर ये नहीं होता तो ये डॉक्यूमेंट का संज्ञान इंडिपेंडेंट कमीशन लेता, ये हादसा नहीं होता। दूसरा, कमिटी ने खुद पाया कि वहां जो डेप्यूटी कमिश्नर्स है कमीशन में, वो रेलवे के अधिकारियों को वहां अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद उसको फिर से रेलवे में जाना है। सो कमिटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि ये क्या हो रहा है, अगर एक टेक्निकल आदमी आपको कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, कल को उसके फिर रेलवे बोर्ड के कर्मचारी के तौर पे आपके वहां जाना है डेप्यूटेशन खत्म होने के बाद, वो आपको कैसे कहेगा कि आपकी गलती है या आप गलत कर रहे हो, वो भी कमिटी ने कहा। और कमिटी ने सारी सिफारिशें page 6 पे आप देखिए, page 6 पे ये सारी सिफारिशें, जिसमें एक तो ये कहा कि आपने गलत किया 2018 में इंडिपेंडेंट कमीशन के पावर्स ले लिए, दूसरा कमिटी ने कहा कि आप जो डेप्यूटी कमिश्नर रेलवे के लेते हो वो आपकी गलती दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बेचारे को कल डेप्यूटेशन खत्म होने के बाद आप ही के रेलवे में आपकी सत्ता के नीचे काम करना है। तीसरा कहा कि सेफ्टी के लिए इंटरनेशनल जो मेजर्स है उसको आप क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट कोचिज जो बन रहे, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा भी हुआ तो पैसेंजर सेफ्टी के लिए जो पैरामीटर्स है उसको आप क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। कमिटी ने यह भी कहा कि आप स्पीडी ट्रेन लाओ, इसकी दिक्कत नहीं है, पर इससे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको उसके अनुरूप तो कीजिए, आप उसको ट्रेनिंग तो दीजिए कि जो उसके लिए ठीक ट्रेनिंग हो। तो ये मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट दिया है जो पार्लियामेंट में 8 दिसंबर 2022 पेश हुआ, और अगर उस वक्त पे ये संज्ञान लेते, उस वक्त पे ये चिंता करते, तो आज ये हादसा नहीं होता था। तो मोदी जी कहते हैं कि जिम्मेवार को नहीं बख्शा जाएगा, ये सारा डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि वो वहां छोटे से कोई सिग्नल के टेक्नीशियन या वहां काम करने वाले छोटा कर्मचारी नहीं है मोदी जी। कमिटी के कहने के बावजूद आपकी सरकार ने गलतियां नहीं सुधारी। 2018 में जो इंडिपेंडेंट कमीशन रेलवे सेफ्टी था उसको आपने इंडिपेंडेंट रहने नहीं दिया काम करने के लिए, उसके पावर्स लेके रेलवे को दे दिए, तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन लेने वाले इसमें जिम्मेवार है। और जो 9 फरवरी 2023 का ये जो अंदरूनी रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में लिखा है, क्लियर लिखा है, आपको इसकी कॉपी भी
साझा हम कर देंगे, इसको कॉपी भी आपको हम भेज देंगे। इसमें क्लियर लिखा है द सिग्नलिंग केबल्स आर फर्स्ट ब्रॉट टू द जंक्शन बॉक्स इन द यार्ड एंड देन ब्रॉट टू द रिले रूम विच मेक्स द वनरेबल फॉर मेडिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ इंटरलॉकिंग। माटे इंटरलॉकिंग पूरा सिस्टम इससे खराब होगा और जो सिग्नल की सेफ्टी नहीं है और गलत तरीके से जो यहां हुआ अच्छा वो सिग्नल के गलत ऑपरेशन से ही हुआ। इसमें कहा है कि इफ द सिग्नल मॉनिटरिंग सिस्टम इज नॉट मॉनिटर्ड एंड करेक्टेड इमीडिएटली, आप इसका पैराग्राफ 9 जरूर हाईलाइट कीजिएगा जो कहा है कि इफ द सिग्नल मेंटेनेंस सिस्टम इज नॉट मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड इमीडिएटली देन इट वुड बी लीड टू हैपनिंग ऑफ अ सच अ रिकरेंस अ सीरियस एक्सीडेंट। माने ये रिपोर्ट खुद कहती है कि अगर आपने ये सिग्नल का काम ठीक नहीं किया तो बहुत सीरियस बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। वो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे वो खुद लिख के देता है और फिर भी मोदी सरकार कुछ नहीं करती है। ये साफ दिखाता है कि इसके लिए जिम्मेवार यही लोग हैं।